ये वेबसाइट है, इसका जो सैंपल्स है अभी हमारे पास जो मल्टी स्टोर के अकॉर्डिंग है। मल्टी स्टोर और मल्टी वेंडर में थोड़ा सा फर्क होता है। मल्टी स्टोर का मतलब ये होता है जैसे कि आपका ऑनर को ये परमिशन होता है कि वो सारे के सारे प्रोडक्ट वो खुद ही डाले, और जो आपका स्टोर्स रहेगा नियर बाय स्टोर जो भी रहेगा उनको वो सिर्फ प्रोडक्ट सिलेक्ट करना होता है। आपने जान लिया कि इस लंबे लॉकडाउन के बाद किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन लाना कितना इम्पोर्टेंट है। ई कॉमर्स हो, चाहे किराना का हो या ग्रोसरी स्टोर का हो, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग का हो, ऑनलाइन क्लॉथिंग का हो, सिंगल वेंडर हो, मल्टी वेंडर हो, किसी भी टाइप में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और उसको अगर आप ऑनलाइन नहीं लाए हैं या ऑनलाइन आपने किया नहीं है, अगर आपकी सोच है कि आप बिजनेस को ऑनलाइन लेके आए, तो इसके लिए कैपिटल टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्त ऑफर दे रहा है कि आपको यहाँ पे हर चीज अवेलेबल है। चाहे आप वेबसाइट बनाना चाहें, चाहे आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहें, चाहे आपको ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बनाना हो या सर्विसेज का प्लेटफॉर्म बनाना हो, सिर्फ यही नहीं, बिजनेस को सेटअप करने के बाद, ऑनलाइन लाने के बाद उसका प्रमोशन करना, इसके लिए कैपिटल टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्त ऑफर दे रहा है कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सारी चीजें ए टू जेड अवेलेबल है। ठीक, अब बिजनेस सेटअप करने से लेकर प्रमोशन करने तक फिर देर किस बात की, आज ही बुक कीजिए और पहले आइए, पहले पाइए का हिस्सा बनिए। तो ये मल्टी स्टोर के अकॉर्डिंग वो काम करता है। जैसे कि मैंने आपको इसका पैनल शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप उसमें एक बार देखना चाहें आप देख सकते हैं। आप उसमें स्टोर का भी है और उसका भी है, आपका वेंडर मल्टी वेंडर का भी पैनल है, दोनों पैनल एक ही साथ है। मल्टी स्टोर में मल्टी वेंडर में थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंट का मतलब ये होता है कि मल्टी स्टोर वाले को सिर्फ प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होता है, जो उनके पास कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है, राइट। अब जैसे किराना है, किराना में हर एक के पास जो होता है मिल्क है, बिस्किट्स है, तो वो प्रोडक्ट्स डबल डबल डालने की जरूरत नहीं होती है। तो मल्टी स्टोर में प्रोडक्ट डालने की परमिशन स्टोर ओनर को नहीं होता है, लेकिन मल्टी वेंडर में प्रोडक्ट डालने की परमिशन स्टोर ओनर को होता है। इसलिए इसमें ये मैंने आपसे यही पूछा था कि कौन कौन सी चीजों के लिए करेंगे। अगर आप ग्रोसरी के लिए करते हैं तो ग्रोसरी में एक ही तरह का आइटम होता है हर एक के पास। जैसे वे क्या नाम है, आप वो ले लीजिए, बिस्किट ले लीजिए या फिर नमकीन ले लीजिए, तो सबके पास एक ही तरह का होता है। तो उनको क्या करना होता है, जस्ट जो है प्रोडक्ट इसको ऐड करना होता है, और ऐड करके उसमें क्या उनको अपग्रेड करना होता है, अपडेट करना होता है जब उनके पास कितने पीस अवेलेबल है। जैसे ये इन्होंने ये प्रोडक्ट ऐड कर लिए, और उसके बाद इन्होंने स्टॉक मैनेज करना है इसको, सिर्फ ये स्टॉक मैनेज करके भाई मेरे पास ये 10 किलो इसका एयर है ऑलरेडी, तो जैसे 1 केजी का इन्होंने मतलब 10 का डाल देते, 10 केजी का दिखाएगा। अब जब भी कोई बंदा ऑर्डर करेगा ना, तो नियर बाय कस्टमर के पास ये नियर बाय स्टोर के पास ऑर्डर चला जाएगा। जैसे कोई कस्टमर ऑर्डर कर रहा है, तो उस कस्टमर के जो भी नियर में स्टोर होगा जिन्होंने ये स्टॉक मैनेज कर रखा है उसके पास चला जाएगा, और 1 किलोमीटर के अकॉर्डिंग ये लेगा। जैसे मान लीजिए कि अभी ये स्टोर है, इस स्टोर का अगर 100 किलोमीटर का रेंज है, ठीक है, तो 100 किलोमीटर के रेंज तक में जितना का जो क्लाइंट कस्टमर आएगा उन्हीं का प्रोडक्ट ये उठाएगा, ऑर्डर उठाएगा, बाकी जो फिर दूसरा है तो उसके हिसाब से अलग अलग होगा। तो ये जो है बिल्कुल सिटी वाइज, एरिया वाइज, अपना पिन कोड वाइज, इस हिसाब से आप आराम से इजिली इसको मैनेज करना चाहे मैनेज कर सकते हैं। नहीं नहीं, कस्टमर को कोई नाम उमदी नहीं दी, कस्टमर को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। जैसे ये देखिए ना, कस्टमर को तो दिखेगा कि ये सिर्फ ऑनर का ही है, एक ही बंदा का है। जैसे आप यूं देख लीजिए, आपका जियो मार्ट है, राइट, जियो मार्ट है, ग्रोफर है, इन सब का कॉन्सेप्ट जो इसी टाइप का है, ठीक है। अब जैसे ये अब ये एक प्रोडक्ट है, हाँ सब अलग अलग रेट, अलग अलग रेट रख सकते हैं। जैसे अब ये जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे, ये प्याज का रेट अलग हो गया, आलू का रेट आपका अलग हो जाएगा, हाँ वो लगा सकता है, वो मैनेज कर सकता है आराम से, इजीली मैनेज कर सकता है।
वो अगर आप देखना चाहें वो थोड़ा अभी लेटेस्ट लेटेस्ट अपडेट में आ चुका है वो, तो वो स्टोर पैनल पे वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह का आपको मोबाइल ऐप मिलेगा। मोबाइल ऐप इसकी अगर आप देखना चाहें, मोबाइल ऐप दिखा देता हूँ आपको शॉर्ट में, मैं आ जाता हूँ अपने मोबाइल से। हाँ, डिलीवरी बॉय का भी है, डिलीवरी बॉय का भी है। हाँ, ये आपको दिख गया मेरा मोबाइल, दिख गया। सर ये तो मैनेजर ऐप है, ये है। जी ये आपका ऐप है, यहाँ पे एक ये हम कस्टमर के अकॉर्डिंग इसको हम चेंज करते रहते हैं, कभी ये ऊपर नीचे इस तरह का चेंज होता रहता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को, कैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। ये जैसे कोई क्लाइंट ओपन करेगा, बंदा ओपन करेगा, तो यहाँ पे GPS आ जाएगा और उसके थ्रू और लॉग इन करेगा। ठीक है, सारी मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ना उस टाइम तक कोई ऑर्डर नहीं कर सकता है जब तक बंदा कोई लॉग इन ना करे। प्रोडक्ट देख तो सकता है, सब कुछ कर सकता है इसमें। हाँ, ऑर्डर के लॉग इन जरूरी है। जैसे मैंने अभी 2 प्रोडक्ट ओपन कर लिया, अब इसको मैं अगर करूंगा ऑर्डर ना, तो इसके लिए हमें लॉग इन करना पड़ेगा सबसे पहले। विदाउट लॉग इन की वो एक्सेस ही नहीं देगा। ठीक है, ये आपको लॉग इन आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें एड्रेस सेलेक्ट कर लिया, ये डेटा आ गया और यहाँ पे ये आ गया कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन, ये कंज्यूम में इसमें ऑप्शन। ठीक है, तो उसमें आप तो दोनों तरह से ले सकते हैं, वॉलेट से भी ले सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी से ले सकते हैं पेमेंट, ऑनलाइन लेना चाहें ले सकते हैं। और आपका सबसे अच्छी बात ये कि आपको ऊपर जो है ना एड्रेस दिख जाएगा, ये बाय डिफॉल्ट आपका जियो लोकेशन के अकॉर्डिंग एड्रेस डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कैटेगरीज वगैरह है, कैटेगरीज वगैरह बिल्कुल खूबसूरत से कैटेगरीज, ग्रोफर जैसे आपको कैटेगरीज आपको मिलेगा यहाँ पे। इससे जो सब कैटेगरी यहाँ पे रहेगा, ये इस तरह से सब कैटेगरी दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सर्च बार पर जबरदस्त है, खूबसूरत है। उसमें आप इजेक्ट सर्च लगा हुआ है, आप कोई प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो तुरंत आपको यहाँ प्रोडक्ट मिल जाएगा। नहीं, ये देखिए ना, इसमें अभी डाला हुआ लगभग मेरे ख्याल से 5,000 प्रोडक्ट डाला हुआ है, मैं आपके सामने यूज कर रहा हूँ ना। वो क्या नाम है, डिपेंड करता है कि उसके ऊपर, ये जो मैंने आपको डेमो भेजा है वो लेटेस्ट अपडेट है, सुपर इंडिया के नाम से है। नहीं, ये भी मल्टी वेंडर है, वो कल जो भेजा था वो तो सिंगल वेंडर था। ठीक है, इसी तरह का आपको स्टोर ऐप मिलेगा, ये है स्टोर ऐप। एक मिनट, मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ। ये आपका स्टोर ऐप रहेगा इस टाइप से। ठीक है, स्टोर ऐप में जितना प्रोडक्ट्स इन्होंने अपडेट करना है, जो ये भी करना है, मैनेज करना है, तो सारा प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ पे अपडेट, स्टॉक, ये सब कुछ मैनेज यहीं से कर सकता है, ये है। ठीक है, ये सब कुछ जो है यही सब मैनेज किया जा सकता है। और इसमें कितना प्रोडक्ट आया, साइट कितना हुआ, कितना पेमेंट गया, कितना गया, कंफर्मेशन हुआ, ये सब इस तरह से यहाँ पे दिख जाएगा। इसी तरह से इसके बाद अब आ जाती है डिलीवरी बॉय की, तो डिलीवरी बॉय भी दिखा देता हूँ, ये है। अभी आपका डिलीवरी बॉय है, अब इसमें जैसे ही बंदा कोई नया ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा तो डिलीवरी बॉय के पास इस तरह का मैसेज आ जाएगा। जैसे अभी मैंने एक ऑर्डर की थी अभी कुछ देर पहले, तो ये ऑर्डर जो है यहाँ पे अभी देखे आ चुका है। ये एक अब इसको डिलीवर करने का ऑप्शन जो है, इनको 2 ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। गूगल के थ्रू लोकेशन का डिटेक्ट कर सकता है, जो आपका डिलीवरी बॉय होगा वो गूगल के थ्रू लोकेशन डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करके जो क्लाइंट तक पहुंचेगा। और उसका जब ये डिलीवर हो जाएगा, तो डिलीवर होने के बाद इसको क्लाइंट जो है साइन लेगा, आपका जो कस्टमर होगा कस्टमर से साइन लेगा, जो भी अपना साइन देना चाह रहा है वो, जस्ट जो अपना मोबाइल में स्क्रीन ये उंगली स्क्रैच करेगा उसकी तरह साइन आ जाएगा। और उसके बाद ये अपलोड हो जाएगा, जैसे अपलोड हो जाएगा तो ये प्रोडक्ट जो है दिखा देगा कि ये प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका है
और ऑनर को भी, एक मिनट से मैं बता देता हूँ, और ऑनर को भी दिखा देगा जो हाँ ये प्रोडक्ट जो है डिलीवर हो चुका है, ठीक है। अब ये चीज अगर आप एडमिन पैनल में आकर देखना चाहेंगे तो वहाँ पे सारी चीजें रिफ्लेक्ट होगा जो हाँ ये प्रोडक्ट जो है डिलीवर हो गया जी। अब बोलिए जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, जो आप पूछना चाह रहे हैं। ये एरिया वाइज अब जैसे मान लीजिए कि अभी दिल्ली है, राइट, आप दिल्ली में आपने 5 एरिया लगा रखे हैं, एक ओखला का एरिया हो गया, एक आपका क्या नाम है न्यू दिल्ली का हो गया, एक पुरानी दिल्ली का हो गया, एक नोएडा साइड का हो गया, तो जो भी डिलीवरी ये है स्टोर है, और स्टोर के अकॉर्डिंग जैसे डिलीवरी बॉय जैसे मैनेज करना हो तो स्टोर के अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ेगा, सिटी के अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ेगा। जैसे ये है सिटी ऐड करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी सिटी इन्होंने ऐड किया हुआ है ये फतेहनगर सपोज, इस तरह से छत्तीसगढ़, तो हमें डिलीवरी बॉय भी इसी हिसाब से हमें ऐड करना पड़ेगा एरिया वाइज या फिर सिटी वाइज। जब आप डिलीवरी बॉय ऐड करेंगे तो इससे यही पूछा जाएगा, यहाँ पे ये सिटी है, अब ये सिटी जिस सिटी में जो डिलीवरी बॉय होगा उसको फिर वो बाय डिफॉल्ट वो डिटेक्ट कर लेगा एड्रेस के थ्रू। जैसे आप यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ दिल्ली, ठीक है, फुल एड्रेस डाल दे तो उस हिसाब से ये वो डिटेक्ट कर लेगा। अब बाकी जो चीज है मैंने आपको वो चीज भेज दी है, हाँ, अगर आप जो मैंने आपको ऐप दिखाया है सेम कर सकता है, हाँ कर सकता है, कर सकता है, बिल्कुल इजी कर सकता है, उनको कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये है कि स्टोर वाला अगर डिलीवरी करता है तो आपको प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि जो आपका कैश ऑन डिलीवरी होगा तो उसमें आपको बैलेंस स्टोर के पास ही रह जाएगा, आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं उनको सर्विस उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, हाँ। लेकिन ऑनलाइन करता है तो ऑनलाइन आपके पास ही आएगा, और ऑनलाइन आपके पास आने के बाद जो है उसका जो 2% 3% जो भी आपका परसेंटेज रखेंगे आप, या तो परसेंटेज कट के उनको मिलेगा। जो मैंने आपको ऐप दिखाया अभी वो ये ऐप है, अगर आप देखना चाह रहे हैं तो इसको आप बिल्कुल देख सकते हैं, मैं ये लाइव आपको भेज दिया, और जो मैंने आपको भेजा हुआ है सुपर इंडिया के नाम से वो लेटेस्ट अपडेट है। सिंगल वेंडर में कमीशन नहीं रहता है, वो सिर्फ एक ही बंदा के यूज के लिए होता है। देखिए लॉकडाउन के पीरियड में, जिस लॉकडाउन के बारे में कहा गया स्टे होम स्टे सेफ, यानी आप घर पे बैठे रहेंगे तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। जी हाँ, अगर आप इस दौरान भी आप चाहते हैं कि आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें तो इसके लिए कैपिटल टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्त ऑफर दे रहा है कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सारी चीजें ए टू जेड अवेलेबल है, ठीक। अब बिजनेस सेटअप करने से लेकर प्रमोशन करने तक फिर देर किस बात की, आज ही बुक कीजिए और पहले आइए पहले पाइए का हिस्सा बनिए।